So let me go ahead and use it right. उत्तराखंड के हल्द्वानी से लगभग 280 किलोमीटर दूर और जनपद बागेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कांडा तहसील में भद्रकाली गांव स्थित कसम्यार घाटी क्षेत्र में मां भद्रकाली मंदिर का परम पावन दरबार सदियों से आस्था व भक्ति का केंद्र रहा है। सावन के सोमवार, नवरात्रि व शिवरात्रि को यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। नवरात्रि में यहाँ अष्टमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यहाँ बहने वाली भद्रा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पावन नदी में स्नान करने से सभी कष्टों का निवारण होता है, व्यक्ति रोग मुक्त होता है। माँ वैष्णो देवी की तरह यहाँ भी माँ पिंडी रूप में विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ भद्रकाली के रूप में अवतरित माँ कपाली सर्वस्वरूपा की यहाँ बड़ी अपरंपार महिमा है। जिसका बखान पुराणों में विदित है, स्थानीय लोगों के द्वारा 4 वर्ष पूर्व लोगों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्वार का कार्य किया गया था, जिसमें सत्संग भवन बा कुछ कमरों का निर्माण किया गया। पंत जी काफी दूर से यहाँ आए हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली में आप रहते हैं सर, तो आपका मंदिर में विशेष योगदान है, जीर्णोद्वार कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है इस प्राचीन मंदिर में, तो पर्यटन विभाग से क्या आशा करते हैं आप बताएं। पर्यटन विभाग में से हम पिछले 1 साल से पर्यटन विभाग में से हमारे को पत्र आया था कि मंदिर पर्यटन विभाग में आ गया है। हमने यहाँ मीटिंग भी करी,
पर्यटन विभाग में आने के लिए भी विगत 4-5 सालों से हम सरकार, भले ही कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी सरकार रही हो, हम प्रयासरत रहे हैं। अभी भी पिछले तीन एक साल पहले से हम सतपाल महाराज जी के पास गए, शिष्टमंडल चल गया हमारा देहरादून में, कई बार मिले। इनकी वजह से, मुख्यमंत्री जी की घोषणा की वजह से ये यहाँ अपने को पर्यटन में मंदिर आया है, ये हमें बताया गया। लेकिन धरातल पर अभी तक पर्यटन विभाग करे, धर्मशी विभाग करे या कोई विभाग करे, धरातल पर अभी तक हमारे को कुछ भी यहाँ पर मदद, आर्थिक मदद या और किसी तरह की मदद मंदिर में नहीं मिली है। हम सिर्फ प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम दोबारा शिष्टमंडल दल लेके देहरादून जाएंगे। धर्मशी विभाग का ऑफिस किधर है, पर्यटन विभाग किधर बैठता है, और उनसे बात करके मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोशिश करेंगे ताकि यहाँ की व्यवस्था आगे बन पाए। जी धन्यवाद। मेरे सामने इस समय हीरा बल्लभ जोशी जी हैं, जो भद्रकाली मंदिर में काफी समय से पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता की असीम कृपा है इनके ऊपर, परम शिष्य है माता के। तो मंदिर के विषय में और इसके प्राचीन होने के विषय में तो थोड़ा सा बताइएगा। 84 में हमारे घर में सिर्फ गुरुदेव भान होकर ही आए थे, उसके बाद 10 दिन यहाँ के रहे वो, उन्होंने नाम उनकी प्रेरणा से उन्होंने इसके बारे में कई वृत्तांत बताए कि हम कई बार यहाँ आ चुके हैं और हमने यहाँ की तपस्या की है। उनके तपस्या से आज वो यहाँ के संत महात्माओं में 3-4 नंबर पर आते हैं, और उनके आशीर्वाद से हमें यहाँ की प्राचीन जानकारी भी है। पहले यहाँ वो रहे भी हैं, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया कि माँ की हमने जो भी तपस्या की उनसे फलित होता, आज वो यहाँ के उत्तराखंड के प्राचीन संतों में उनका नाम है। उन्होंने देखा बस जिनसे उनका कृपा हुई उनको परिपूर्ण कर दिया और माँ का उद्धार उनकी कृपा से हम लोगों ने, उनने हमारी प्रति कृपा करी है। और हम यही कहते हैं कि उनके आने से देश का, इस क्षेत्र का कल्याण हुआ है, यहाँ रोड का वो हुआ है, और जो हमारे ये पंत जी हैं, जो हमारे विशेषकर कमेटी का गठन हुआ, इन लोगों का विशेष योगदान है, जिनके प्रेरणा से आज जोशी जी ने भगवी जो ये कार्यक्रम जो बना रखा है, उन सब उनकी कृपा है। और मैं इन सभी लोगों का विशेष रूप से आभारी हूँ कि इन कमेटी के जब यहाँ पर वो प्रावधान हुआ, उसके बाद चारों तरफ से देश या हमारे क्षेत्र का भी उद्धार हो रहा है। जगह जगह क्षेत्र में रोडों का जाल बिछा है, माँ के मंदिर तक रोड आ गई है, सब उनकी कृपा है, सब भगवान कृपा है। जिससे बाकी माँ भैया माँ बेटारी की असीम कृपा है, जिसके कारण से क्षेत्र का चौधरी विकास होना है। कुछ सरकार की अनदेखी है, उसको भी सरकार अपने संज्ञान में ले रखी है, उनको बार बार कहा गया है। आशा है कि हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के प्रति कुछ आश्वासित रहेगी और हमको सहयोग करिए। हमेशा के साथ मैं समस्त आप लोगों का जो आधार व्यक्त करता हूँ, और समस्त कमेटी का भी, और समस्त जनमानस का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ मैं अपनी मन को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हजारों साल प्राचीन पौराणिक धार्मिक शक्ति पीठ, यह स्थल प्राकृतिक रूप से बड़ा ही अलौकिक अद्भुत है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण